नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं राकेश पाठक शिवानी अश्व चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों का सहयोग मिल रहा है शुरू से, वो मुझे बहुत, मैं उसके लिए आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। और आज मैं एक स्पेशल चीज़ आपको बताने आया हूं, जो कि बहुत ही दृष्टि की महत्ता है जिस चीज़ की। और वो स्पेशल चीज़ ये है कि हमारे जो जितनी भी कुंडलियाँ हम लोग देखते हैं, उसमें अक्सर लोग पूछते हैं कि कोई उपाय बताइए या कोई रेमेडी बताइए इस चीज़ की, ग्रहों की। तो वो रेमेडी या उपाय ऐसा होना चाहिए जो वास्तव में काम करे और जो बिल्कुल सिद्ध रूप से काम करे। तो कहने को तो बहुत सी चीज़ें लोग बता देते हैं, मार्केट के अंदर बड़ा होता है कि भी आप ऐसा कर लीजिए, आप दाल दे दीजिए, आप चना दे दीजिए, आप वो कर दीजिए। तो वो उसके चक्रों में ना पड़ते हुए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि तीन तरह के मंत्र होते हैं उपाय में। एक तांत्रिक मंत्र होता है, एक लौकिक मंत्र होता है, एक वैदिक मंत्र होता है। तो वैदिक मंत्र जो है उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि उनकी शक्ति कितनी है और किस तरह से वो काम करते हैं, और नवग्रहों के वैदिक मंत्र क्या हैं। और वो नवग्रहों के वैदिक मंत्र का सबसे बड़े इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि उसका उच्चारण भी शुद्ध होना चाहिए। अगर उच्चारण थोड़ा ठीक नहीं होता तो वो उसका थोड़ा नेगेटिव अर्थ हो जाता है, क्योंकि संस्कृत के शब्दों का मीनिंग चेंज हो जाता है। तो नवग्रहों का जो वैदिक मंत्र है, इनका बहुत रोल है। अगर ये मंत्र ठीक से किए जाएं तो निश्चित रूप से फायदा होता है, निश्चित रूप से ग्रह की शांति होती है, निश्चित रूप से फायदा होता है। हमारे साथ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के आचार्य श्रीकांत पांडे हैं, वो आपको बताएंगे वैदिक मंत्रों के बारे में, थोड़ा जानकारी देंगे, और नवग्रह के वैदिक मंत्र आपको बताएंगे कौन कौन से होते हैं। और कभी आपको चाहिए हो तो आप उसको हमसे मंगवा सकते हैं और वो करवा सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे। मैं आचार्य श्रीकांत पांडे आज सभी वैदिक नवग्रह मंत्र, लौकिक और तांत्रिक मंत्रों के बारे में जानकारी दी जाएगी, जिसमें इस वीडियो में सिर्फ वैदिक मंत्रों का उच्चारण होगा। सर्वप्रथम हम सूर्य मंत्र का उच्चारण करेंगे। हरि ओम मा आ कृष्णे न रजसा वर्तमानो निवेशयन् अमृतम् मृतियञ्च हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्न। ओम घृणि सूर्याय नमः। अब चंद्रमा के मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम हरि ओम मा इमं देवा अशपतनगुं सुवदवं महते चतराय महते ज्येष्ठाय महते ज्ञानराज्या इंद्रस्येन्द्रियाय इमा मुखिया पुत्रा मा मुखिये पुत्रा मश्ये विष एकवो मी राजा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणा नागुंग्राज। ओम भूर्वस्वा चंद्रमसे नमः। अब मंगल का मंत्र वैदिक। हरि ओम मा अग्ने मूर्धा दिवः काकुत्पतिः पृथिव्या अयम् मा आपा गुंग्रीता गुंसि जिन्वति। ओम भौमाय नमः। अब बुद्ध का वैदिक मंत्र। ओम उद्बुधिय स्वाग्ने प्रतिजाग्रहित्वा मिष्टा पूर्ति सगुं स्रजेता मयञ्च अस्मिन् सादत्ते आदुत्तास्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। ओम बुम्बुधाय नमः। बृहस्पति का वैदिक मंत्र। ओम बृहस्पति आति आदर्जो आरिहा द्विमद्विभातिकरातु मज्जानेखो जद्देदायच्छावासारित प्रजा द्रविणं देहि चित्रम्। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। अब शुक्र का वैदिक मंत्र। मन्नात् परिश्रुतो रसं ब्रह्मणा व्यपिद्वच्छतरं पयः सोमं प्रजापतिरितेन सत्यमिन्द्रियं विपानगुं सुकरामन्दस इन्द्रसिन्द्रियमिदं पयोमृतं मधु। ओं सुं शुक्राय नमः। अब शनि का वैदिक मंत्र। ओम शन्नो देवी राविष्टाय आपो भवन्तु पीतये संजो राविस्रवन्तु नः। ओम सुं शनिश्राय नमः। अब राहु का वैदिक मंत्र। ओम काया नश्चितरा आभुवदूति सदा वृदा सखा काया सचिष्टया व्रता
ओम रांग रावे नमः। केतु का वैदिक मंत्र ओम केतुं क्रणवन्न केतवे पेशो मर्जा आपे ससे सामुखद्वे राजायथा। आज सभी नवग्रह वैदिक मंत्रों का उच्चारण हुआ है। अगली वीडियो में तांत्रिक और लौकिक मंत्रों का भी आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।